नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। मैंने एक दोपहर में वीडियो बनाई थी कि सरकार बेच सकती है स्टेक। मनी कंट्रोल की तरफ से ये अनाउंसमेंट, ये रिपोर्ट कवर करी गई है। अब सरकार की बात चलिए तो ऑब्वियस है सरकारी कंपनियां होंगी, और चार कंपनीज के नाम मनी कंट्रोल ने सजेस्ट करे हैं जहां पे गवर्नमेंट में सेल सम स्टेक, सम स्मॉल स्टेक, ये एग्जैक्टली वर्ड्स थे, स्मॉल स्टेक, ठीक है। जिसमें मैंने चार स्टॉक्स कवर करे थे, चारों स्टॉक्स के पहले नाम बताना चाहूंगा। मजगांव डॉक था आपका, आपका IRFC था, आपका RCF और NFL था, दो फर्टिलाइजर, एक रेलवे और एक आपका शिपिंग। चारों स्टॉक्स वाली वीडियो पे आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया और कुछ कमेंट्स थे, तो मैंने कहा ठीक है, वीकेंड है, नई खबर को क्या कवर करना, एक बार वापस से इसी को डिस्कस करते हैं। सेम डे है तो लोग वापस आ जाएंगे शायद। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कमेंट्स थे वो कुछ इस प्रकार के कि भाई मेरे को ये स्टॉक लॉस दे रहा है, ये स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है, मैंने क्या करना चाहिए, इस प्रकार के कुछ कमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मजगांव डॉक पे मैंने आप सभी के साथ वीडियो कवर करी थी लगभग 2 महीने पहले, जब गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली यही अनाउंसमेंट आई कि हम मजगांव डॉक में जल्दी ही OFS, जिसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल, जिसे भी सेलिंग करना ही कहते हैं, ये ला सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि 2400 रुपए का भाव है, अब ये शेयर नहीं चलेगा क्योंकि सरकार बेचेगी। देखो, चले ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन एक ओवरहैंग रहेगा कि गवर्नमेंट में सेल सम स्टेक, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उस खबर को पूरी तरीके से बाजार ने अवॉइड करा, इनफैक्ट कोई खबर उससे रिलेटेड आई नहीं अगले कुछ दिनों में। मैंने ज्यादातर नोटिस करा है, जब भी इस प्रकार की रिपोर्ट आती है 2 दिन में खबर आ जाती है कि सरकार बेच रही है इतना परसेंट स्टेक बेच रही है, रिटेल कैटेगरी के लिए इस दिन खुलेगा और नॉन रिटेल के लिए इस दिन खुलेगा OFS, लेकिन कोई खबर ही नहीं आई और शेयर आज देखो 2400 वाला 4400 हो गया। अब फिर से खबर आई है कि गवर्नमेंट में सेल सम स्मॉल स्टेक इन मजगांव डॉक, IRFC, NFL, RCF, क्या करें? पहला सवाल तो यही है। तो क्या करें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चार कंपनी जो है ना, इनमें RCF, NFL रिसेंटली ही चले हैं, लेकिन स्कोप बहुत है। आपको याद होगा जब ये फर्टिलाइजर स्टॉक अभी रिसेंटली भागे थे GST काउंसिल की मीटिंग से पहले कि शायद GST हट सकता है फर्टिलाइजर से, उससे पहले ये भागे और इन पे कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने रिपोर्ट निकाली जहां पे बड़े बड़े टारगेट्स की बात करी गई, चाहे वो RCF हो या NFL हो। मैंने भी आपके साथ दोनों ही स्टॉक्स को डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट पर्पस से, मेरे को लगता है ये स्टॉक्स चलेंगे, पैसा बना के देंगे। मजगांव डॉक की बात करें, यहां थोड़ी कहानी दूसरी है। मैंने जैसे ही कहा 2400 से 4400 हो गया, 2 महीने ही लगे मुश्किल से, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है फ्रेश बाइंग के लिए। अब देखो, मेरे से कोई पूछे भाई 4400 पे मैं निवेश कर दूंगा तो मैं कितना पैसा बना लूंगा, मेरे को खुद सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि भैया क्या टारगेट दूं, क्योंकि डाउनसाइड तो मेरे को पता है। 2 महीने पहले ही मैंने 3000 देखा है, 3200 देखा है, 4 जून को मैंने 2200 देखा है, अभी डबल हुआ पड़ा है वहां से, तो मेरे पास ना लेवल्स नहीं निकलेंगे। अब ऊपर में मैं 6000 बोलूं, नीचे में 3000 बोलूं तो चलता है कि 1200-1400 का स्टॉप लॉस है और 50% के टारगेट है, लेकिन मैं कहूंगी भैया यहां से 5000 के टारगेट रखो और 3500-3200 का स्टॉप लॉस रखो, वो मैच नहीं कर पाएगा। तो वहां पे क्या है, वहां हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि अगर है तो होल्ड करो और नहीं है तो वेट करो डिप का, और डिप कितनी वो आपको खुद ही डिसाइड करनी है कि मैं किस भाव से लेना शुरू कर सकता हूं। वैल्यूएशन टर्म्स में देखा जाए तो 44 के PE पे है। अब स्टॉप लॉस मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि अगर है तो किस स्टॉप लॉस से होल्ड करें, 3890 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस से, या फिर आप इंट्राडे में भी अगर 3890 का लेवल निकलता है तो आप एग्जिट ले सकते हो। अब ये 3890 कहां से आया वो भी बताता हूं। स्टॉक में जैसा कि मैंने बोला 13 मई को 2100-2200 रुपए के भाव थे, उसके बाद भागा स्टॉक और भागते भागते ऐसे जाता है, फिर ऐसे कंसोलिडेट, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे कंसोलिडेट, और ये कंसोलिडेट ज्यादा से ज्यादा 3 दिन हो रहा है, तो ये कंसोलिडेशन का लेवल है दोस्तों, जो जहां पे स्टॉक ने हाई लगाया था 4200 का और वापस से गिरावट में 3894 का क्लोजिंग बेसिस पे लो लगा 21 जून को, और वापस से जब हाई लगा तो फिर 4400-4500 समथिंग के लग गए आपके, तो मैंने वही स्टॉप लॉस दिया है। वो ब्रेक होगा तो फिर हम निकलेंगे, अदरवाइज हम बैठे रहेंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, IRFC। तो मेरे को लगता है पूरा रेलवे चल गया, IRFC 170 पे ही रह गया, तो यहां पे अभी और गुंजाइश है ऊपर जाने की। 200 रुपए के पास होता तो मैं कहता कि अभी मत लो, लेकिन यहां से मैं कह रहा हूं ऊपर जा सकता है, इस बीच में स्टॉप लॉस मस्ट होगा तो 163 रुपीज का स्टॉप लॉस आ जाएगा, यहां पे हम चाहे तो एंट्री भी ले सकते हैं। NFL
एनएफएल की बात करें तो ये 130 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अब कंसोलिडेशन में आ रहा है एक बड़ी रैली के बाद, हो सकता है स्टॉक यहीं कहीं सपोर्ट ले ले 126-125 पे। अदरवाइज में मेरे लिए इन्वेस्ट के लिए बहुत अच्छा भाव 102 रुपए है, जहां मैंने पहले भी डिस्कस किया था खरीदने के लिए, तब 102 पे ही था, तो मैंने कहा लीजिए 115 के टारगेट होंगे। अचानक से जीएसटी वाली खबर आई, शेयर रॉकेट हो गया। अभी आप यहां से अगर ले रहे हो तो केवल 125 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना और होल्ड करना, और अगर आप अच्छी रेंज पूछ रहे हो मेरे से तो 112 रुपए के करीब होगी। आरसीएफ की बात करें तो हाँ, और एक चीज और, जो मैं रेंज बोल रहा हूँ उस पे यूएफएस आ जाए तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। आरसीएफ राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर 193 है। अगर आप छोटे स्टॉप लॉस से जाते हो तो 182 जो अभी रिसेंट का ही हुआ, अदरवाइज खरीदारी करने की असली रेंज जो है वो 150 रुपए के करीब है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल वीडियो थी वापस से, होप आपको और अच्छे से क्लैरिटी दे पाया हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।